Assalamualaikum, Sasrikaal, Adab, Namaste, lovely people. वो देखो Assalamualaikum, very good morning guys. तो मैंने मंगवाया है ब्लिंकिट से नए घर का फर्स्ट ग्रोसरी और मैंने ऑर्डर किया था जब मुझे टाइम दिख रहा था 20 मिनट्स और 15 मिनट्स में मुझे अप्रूवल के लिए कॉल आ गई है. तो ग्रोसरी आ चुका है, कुछ चीज़ें अंदर ले जा चुके हैं और काफ़ी कुछ मंगवा लिया है मैंने. हनी डालना है तो यहाँ पर मैंने सारे ही ड्राई स्पाइसेस, मैगी, साबूदाना, पोहा और मस्टर्ड ऑयल खाने के लिए और दूसरा ऑयल भी है फ्राई वगैरह के लिए और दालें सारा कुछ मंगवा लिया है. और यहाँ पे वेजिटेबल्स है, ये एग्स है, ये वाइट एग्स है और ये वाले ब्राउन एग्स हैं. और इसमें है भिंडी, इसमें हरी मिर्ची, हरा धनिया, नींबू, टमाटर, आलू प्याज, अदरक लहसुन सब मंगा लिया. और ये मैंने एक जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मंगाई है, सॉरी गार्लिक पेस्ट है ये. और ये मंगवाया है मैंने इजी क्योंकि मुझे लक्की के सारे कपड़े हुडीज डालना है. और ये मैंने मंगाए हैं आलमंड्स, ये बच्चों का भुजिया माजा. उसके अलावा यहाँ मैंने मंगवा लिया है दही, यही वाला मिला, दूध भी यही वाला मिला क्योंकि डेयरी का अभी तक लगा नहीं है. और ब्रेड, एग से लेके मिल्क से लेके दही, ग्रोसरी, सब्जियां, बस फ्रूट्स मैंने नहीं मंगवाए क्योंकि वो मैं खुद जाके लाऊंगी. फ्रूट्स थोड़ा सा कॉस्टली है, पता है जो 1 kg आता है ना वो हाफ ही kg दे रहे हैं वो लोग. जल्दी जल्दी आलू पोहा क्योंकि काम बहुत ज्यादा है, लेकिन ब्रेकफास्ट किसी का भी नहीं हुआ. और लक्की चले गए जिम, तो लक्की जिम से आएंगे जब तक ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा. हाँ, डन हो चुका है. और दुबई भूख लग गया है, दुबई को भूख लगी है. अल्तमा, शुरैन और बाकी सारे टेरिस पर है क्योंकि वो लोग क्रिकेट क्लब गए हुए हैं ऊपर और लक्की भी जिम में गए हुए हैं. तो हुरैन पे भी नज़र देते रहेंगे क्योंकि हुरैन उन्हें दिखती रहेगी टेरेस से. और साथ ही साथ मैं ये जो मैस है ना ये सब कुछ जगह पे रख देती हूँ. काफ़ी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, मैं किचन का पूरा ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा रुक के करूँगी, पहले थोड़ा सा सेटअप कर लेती हूँ. नीचे आप देख सकते हो उतने सारे पार्सल है, ये देखो, यहाँ देखो, इवन यहाँ पर भी देखो. तो ये सारा ही सेटअप मुझे करना है, ये मैं करती रहूँगी. बट अभी फ़िलहाल मैं ये जो दिख रहा है ये सब क्लीन कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा सेटअप हो जाए, चीजें दिखने लग जाए, समझने लग जाए.
पहले तो यहाँ पर जो इतने सारे पार्सल है ना जो खाली हो गए हैं वो रख देते हैं, और जो रखने वाले हैं उसे रखते जाते हैं, क्योंकि ये सारे ही ऑर्गेनाइजर्स हैं। और ये मेरा मिनी ऑमलेट मेकर है, ये कर्ड मेकर है, और आटा गूंदने की मशीन, ये सारी चीजें बस ऑर्गेनाइजर में जाएगी तो बाद में सेटअप होकर आएगा। ऑलरेडी इसके अंदर काफी सारे पार्सल है। ऑर्गेनाइजर्स को मैं बाहर रखवा देती हूँ। ये मेरे बहुत ही प्यारे शुगर टी कॉफी के जार भी हैं। ये सारा न्यू सामान है। दुबई को खाना देके आओ जल्दी, गो। वेरी गुड। लो बेबी आओ इधर डाइनिंग पे आओ। बहुत है तुम। क्यों जिम करके आया अभी? नहीं कर ना। मैंने खाओगे? चलो बाय बाय, हम जा रहे हैं घूमने के लिए। भाभी को यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, हम शाम में जाएंगे भाभी को लेके। मेरे साथ ये गिरम कर है, आए करने कार्यक्रम है। भाभी बेचारे गुस्सा है मारते, मैं भाभी को लेके नहीं जा रहा हूँ। मुझे रुको हुरेन, रुको हुरेन, अरे हुरेन। भाभी बेचारे नाराज हो गए हमारे। मुझे सब्जियां लेनी थी बट ये लोग मुझे लेके नहीं जा रहे। चलो बाय 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 बाय, शाम में चलेंगे। वैसे इन्होंने मेरे बहुत सारे काम कर दिए, जितने भी बॉक्सेस किचन में आपको दिख रहे थे वो सारे इन लोगों ने रखवा दिए, तो किचन सेट हो गया है फिलहाल। सब कुछ उठ गया, ये जितने भी पार्सल थे सारे कर दिए इधर से भी। अब मेरा डिश वॉशर मैं अच्छे से यूज कर पाऊंगी। हम भाई के साथ ही चल रहे हैं अच्छे से। हाँ मेरी गोद में मैं लेके चल। जे डैडी नूं पसंद आया ते रखना, नहीं तो फिर तीनों रिटर्न जाएंगे। ये नहीं अच्छा लगता ये। बस घर पे था वो। गाइस चलो आते टेरेस पे। ये देखो लक्की, रुक जाओ फिर, ये पकड़ो। मैं आ रही, मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैंने ये सिंपल सा टॉप वेयर किया है और जीन्स, और हुरैन ने पहना है ब्लैक डेनिम स्कर्ट। अब हम निकलेंगे। हम निकल गए घर से। गाइस आज का दिन बिल्कुल भी पता नहीं चला, मतलब स्टार्ट हुआ और ख़त्म होगा आज पता ही नहीं चला, मतलब दिन कहाँ पर गया बिल्कुल भी टाइम का। और देखते ही देखते ईशा की अजान भी हो चुकी है। मैंने गई थी मार्केट, बहुत भारी है। डीवी का ट्राईपॉड मुझे मिला यहाँ पर। मैं वहाँ से ट्राईपैड या कुछ भी अपना शूटिंग का बहुत सारा सामान नहीं लाई थी, थोड़ा बहुत लाई थी, तो मुझे यहाँ पे ज़रूरत थी तो मुझे ये मिल गया, बहुत अच्छा। और इसके अलावा
फ्रूट्स वगैरह लेने थे बच्चों के लिए, वो सब लिया। The next day. मैं हो चुकी हूँ फ्रेश और मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं कपड़े। एक्चुअली सोफा का कवर मैंने आज ये वाला लगाया है क्योंकि इसके जो कवर थे हुरैन ने उस पर कल रात में टिंट लगा दिया, तो धूप काफ़ी अच्छी है तो मैंने वो डाल दिया है। और अल्तमश के लिए प्रिपेयर किया है सेव पूरी ब्रेकफास्ट में, तो पहले उनको वो देती हूँ एंड देन बाकी का करती हूँ, जिसमें मैंने पोटैटोज, अनियन, टमाटो, इमली चटनी और अब डाल रही हूँ भुजिया। दही अल्तमश नहीं खाते तो नहीं डाल। अब कितने हुए बेटर आपके? तो अल्तमश को दे दिया है मैंने सेव पूरी, मैं जल्दी से कर लेती हूँ, कपड़े निकाल के डाल देती हूँ। आज मैंने हुरैन का वार्डरोब भी ऑर्गेनाइज करना है। ये देखो टेंट जो हुरैन ने सोफा के कवर पे लगा दिया, एक्चुअली वॉकिंग क्लॉजेट है तो वहाँ पे ड्रॉर्स है, तो हुरैन को समझ आ गया कि मेकअप निकालना कैसे है। तो मुझे मेरा मेकअप जो है मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया है, बट मुझे वो ऊपर वाले ड्रॉर में रखना है ताकि हुरैन की पहुँच से बाहर हो जाए। यहाँ के लिए मेरे काफ़ी अच्छे डिकोर पीस है जो मुझे मतलब जो मैंने न्यू लिए हैं, और कुछ और भी है तो वो सब मुझे यहाँ पे डेकोरेट करने हैं। अभी जस्ट बैक टू रूटीन जिसे कहते हैं मैं आई हूँ, तो धीरे धीरे सारी चीज़ों को अनबॉक्स करूँगी और साफ सुथरा चलाऊँगी। इसमें सारी टिश्यू पेपर्स हैं तो ये भी अच्छा लगेगा आपको। तो बस मैंने नॉर्मल जो है यहाँ पर रूटीन अपना फिनिश किया और उसके बाद मेरा काम रहेगा अपनी सारी वार्डरोब्स को ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि पार्सल बहुत सारे रखे हुए हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और जितने भी डिकोर पीस हैं उन सारे पार्सल्स को एक जगह करना, सबको क्लीन करना और सबकी जगह पर लगाना जो आपको दिखेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो कंटिन्यू बने रहें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।